हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोनसी आइडियाज अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में मैंने शेयर किया एक सक्सेसफुल एयर लेयरिंग का स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। दिस इज अ टैमरिंड प्लांट एंड आई लव टैमरिंड वेरी मच। फॉर एयर लेयरिंग आपको अच्छा मतलब वेरी शार्प वाला कुछ यूज़ करना पड़ेगा, लाइक नाइफ ब्लेड। बट हेयर यू कांट यूज एनी ब्लेड बिकॉज टैमरिंड का जो बार्क है बहुत हार्ड होता है। सो हेयर आई यूज अ शार्प नाइफ। एज ए एयर लेयरिंग मीडियम मैंने यहाँ पे यूज़ किया कोकोपीट, कॉम्पोस्ट, सैंड एंड रूटिंग हार्मोन। मेरे पास कोकोपीट नहीं थे इसलिए मैंने कोकोनट का छिलके से छोटा छोटा काट करके कोकोपीट बना लिया। कोकोपीट का जो यूजेस है बोनसाई में, यू कैन सी आई बटन में I use cutting a rooting hormone. So as a medium, many you have to use the cocoa peat, compost, sand and rooting hormone. तो इसको अच्छा करके mix करना है अभी। इस tamarind का थोड़ा सा style change करने का time में इसका अपर पोर्शन में कट करना जरूरी हो गए थे। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कट मत करो, इसको एक बार एयर लेयरिंग करके देखो। सो मैंने टैमरिन प्लांट पे ऊपर एयर लेयरिंग कभी नहीं किया, तो मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिला। तो फ्रेंड ने बोला अगर सक्सेस हुआ तो आपको एक शोहिन मिल जाएगा। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया आइडिया है, सो लेट्स ट्राई वंस। सो दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट एंड ये मानसून में मैंने अगेन मैंने ट्राई किया बट सेकेंड टाइम मुझे सक्सेस मिला। लास्ट ईयर मैंने एक इंच काट किया था बट दिस टाइम मैंने मोर देन टू इंच मैंने काट कर रहा हूँ। उसका बार्क जो है ना टैमरिंड का बहुत बढ़िया तरीका से मैंने इसको काट कर रहा हूँ, मोर देन टू इंच। बट लास्ट ईयर मैंने एक इंच काट किया था, शायद इसलिए वो सक्सेस नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा कर काट करने के लिए कॉन्सेप्ट कटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो इस काट करने के बाद मैंने थोड़ा स्पेयर से पानी दे के लगाने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट मैंने इसको ड्राई होने के लिए रखा। मिक्सचर था, मैं वो मिक्सचर को मैंने पानी देके थोड़ा एक पेस्ट बनाया, उसके ऊपर भी मैंने और एक बार रूटिंग हार्मोन ऐड किया। तो ये पेस्ट आपको बहुत केयरफुली आपको एक प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक अगर ट्रांसपेरेंट हुआ तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि आपको रूट देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक यूज़ किया। तो ये पेस्ट अगर आपको बहुत केयरफुली आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा।
प्लास्टिक अगर ट्रांसपेरेंट हुआ तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपको रूट देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक यूज़ किया। नीचे वाला जो ब्रांच है मैंने उसको थोड़ा वायरिंग भी कर दिया। आफ्टर 3 मंथ्स लेटर का रिजल्ट है ये, बट मैंने हर मंथ थोड़ा प्लास्टिक खोल के देखा रूट हुआ कि नहीं हुआ। टैमरिन के ईयर लेयरिंग में थोड़ा टाइम लगता है। प्रीवियसली मैंने डिस्मोडिया में ईयर लेयरिंग किया, मुझे विद इन 1 मंथ रूट देखने को मिला। यू कैन सी अभी मैं जो है ये थोड़ा रूट देखिए, इसमें रूट आ गया, ये मतलब मुझे सक्सेस मिल गए, ये सक्सेसफुल हुआ ईयर लेयरिंग। बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारे रूट, ये रूट निकल के आए, ये देखिए यू कैन सी ब्लैक टाइप का जो है रूट। बट दिसंबर में मैंने काट नहीं कर सकता ईयर लेयरिंग को बचाने के लिए, मैंने मुझे फेब और मार्च में काट करके उसको सैंड एंड कंपोस्ट में डालना है, सो दिस इज नॉट परफेक्ट टाइम, इसलिए मैंने इसको काट नहीं किया। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।